हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुछ अनाजों की इंग्लिश। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे अनाज के नाम लिए हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोरगम, जवार, ये जो अनाज है कई रंग का होता है, जैसे येलो, ब्रोंज, ऑरेंज, वाइट, चोकी वाइट, पर्ली वाइट, लेमन। मेरे पास चोकी वाइट कलर का था, तो मैंने ये आपको वीडियो की हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। देखो, आज के टाइम में लोग इसे पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बहुत गरीबी हुआ करती थी, लोग इसे खाने में इस्तेमाल करते थे। स्क्रीन पर जो वर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन है बाले, आर साइलेंट हो जाएगा। अमेरिकन प्रोनंसिएशन है बारले, इसका मतलब होता है जो। यह एक अनाज होता है जो खाना बनाने, विस्की और बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। राइस फ्लेक्स, पोहा, बकवीट फ्लावर, कुट्टू का आटा, इसे लोग फास्ट में यानी कि व्रत में खाते हैं। मिलेट, बाजरा, इसको लोग ज़्यादातर सर्दियों में खाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉर्न, मक्का। ब्राउन राइस, भूरे चावल। देखो, यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जो ब्राउन राइस है वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं वाइट राइस के कंपैरिजन में। आज की वीडियो का लास्ट वर्ड है पीनट, मीन्स मूंगफली। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।